बिसम रहीम असल दोस्तों आज हम इंस्टॉल करते हैं वन किलो वाट इन्वर्टर जो इन्वरक्स कंपनी का है और एक्सपर्ट मॉडल है अगर आप लोगों ने वन किलो वाट के अंदर आप लोगों ने अगर यू पी एस इंस्टॉल करना हो या इन्वर्टर इंस्टॉल करना हो तो आप लोगों ने सबसे आंसार तरीके से किस तरह इंस्टॉल करना है तो आइए हमारे साथ रहिए तो सबसे पहले आप लोग ये देख सकते है ये इन्वर्टर की आउटपुट और इनपुट लाइन है ये दूसरा जो है ये बैटरी है और तीसरे नंबर पर सोल है ये हमने इसके लिए लाइट प्लग लगाया जो इसको वापडा भी ऑन ऑफ करेगी और इसमें आपने यू पी एस का कनेक्शन भी कर दिया तो अगर आप लोगों ने सिस्टम इंस्टॉल करना हो और सबसे आसान तरीके से इंस्टॉल करना हो तो आप इस इन्वर्टर को या यू पी एस को आप लोग लाइट प्लग लगा सकते हो तो ये सबसे आसान तरीका है इसके लिए हमने ये लाइट प्लग लगाया और इस पाइप ने हमने तीन केबलें लाए जो एक न्यूट्रल है एक पेज है और ये एक जो है वो आउट केबल है तो आप लोग ये देख सकते हैं अब हम इसके लिए पाइपिंग करते हैं तो अगर आप लोगों ने यू पी एस या इन्वर्टर इंस्टॉल करना हो तो ये सबसे आसान तरीका है इसका तो अब आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आप लोगों ने इसकी सेटिंग किस तरह करनी है आप लोगों ने इसकी कनेक्शन किस तरह करनी है आप लोगों ने लाइट प्लग लगाना हो तो किस तरह लगाना होगा तो सारा डिटेल्स मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस लाइट प्लग का काम यह है कि यूपीएस हमें जो बिजली देगी वो भी इस लाइट प्लग को आएगी और वापडा हमें जो बिजली देगी यानी यूपीएस की चार्जिंग के लिए तो वो भी इस लाइट प्लग को आ गई है यानी अर्थ के लाइन में हमने यूपीएस का आउट दिया है और राइट साइड को हमने पेज दिया है और लेफ़्ट साइड को न्यूट्रल दिया है तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बात बताता चलूँ कि आप लोग ये इशू देख सकते हो ये हमने इसलिए बनाया है कि अगर आप लोगों के इन्वर्टर में कोई मसला आ जाए तो ये हमने डायरेक्ट किया तो आप लोग इस तरह आप लोग अपना डा वापडा जो है वो डायरेक्ट कर सकते हो यानी आप लोग इससे चेंज ओवर का काम ले सकते हो क्योंकि हमने राइट साइड को पेज दिया है लेफ्ट प्लग में और जो दरमान वाला साइड है इसमें हमने यू पी एस का आउट दिया है तो यू पी एस का आउट और वापडा का पेज जब आप डायरेक्ट करोगे तो आप लोग की जो यू पी एस का लाइन है वो स्टार्ट हो जाएगी तो इसलिए हमने ये शू बनाया अगर आप लोगों के सिस्टम में कोई मसला आ जाए तो आप लोग इस शू के मदद से अपना वॉपडा जो है वो डायरेक्ट कर सकते हैं आप लोगों ने राइट साइड को आप लोगों ने पेज देना है और दरमियान वाले साइड को आप लोगों ने जो यूपीएस का कनेक्शन है वो देना है अब हमने ये शू लगाया तो इसकी इस वजह से हमारा जो वॉपडा होता है वो डायरेक्ट हो जाएगा इसके बाद यूपीएस का कनेक्शन करते हैं तो यूपीएस का कनेक्शन आप लोगों ने इस तरह करना है कि बोर्ड में जो पेज वायर लगा होता है यानी वापडा से जो इनपुट आया होता है तो वो पेज आप लोगों ने जिस आ, न, मतलब जिस बटन को आप लोगों ने यूपीएस का कनेक्शन देना हो तो आप लोगों ने इससे पेज़ वायर हटा के यूपीएस का कनेक्शन देना है आप लोगों ने जब जो वापडा का केबल आया होता है यानी मेन तो आप लोगों ने बोर्ड से हटा के इसके ऊपर आप लोगों ने यू का कनेक्शन करना है आप लोगों ने इस तरह नहीं करना है कि वापडा का जो पेज होता है और यू का पेज वो आप लोगों ने आपस में जोड़ना है आप लोगों ने इस तरह बिल्कुल नहीं करना है आप लोगों ने वापडा का पेज हटा के उस जगह पर आप लोगों ने यूपीएस का कनेक्शन करना यानी यूपीएस से जो आउट जो अलग केबल आया होता है वो आप लोगों ने बोर्ड में लगाना होगा इसके बाद अब हम लगाएंगे सोलर पैनल इस इन्वर्टर के साथ तो आप लोग ये देख सकते हैं ये छह सोलर पैनल है जो 150 वाट के हैं आप लोग अब ये देख सकते हैं अब हम लगाएंगे इसके साथ ये सोलर पैनल की डेटा शीट है ये जितने भी सोलर पैनल है ये 150 सौ पचास वाट है इस पर कभी 170 सौ सत्तर वाट लिखा होता है कभी 180 सौ अस्सी एक सौ पच्चीस से लिखा होता है लेकिन ये होते हैं 150 सौ पचास वाट के इस तरह जितने इस तरह साइज के जितने भी सोलर पैनल होते हैं वो असल में 150 सौ वाट के होते हैं तो अब हमने सोलर जो है वो स्टैंड पर फिट किए हैं। ये लोहार ने लोकल स्टैंड बनाया है तो इस पर हमने ये सोलर फिट किए अब हम इसके कनेक्शन करेंगे तो आप लोगों को बताएंगे कि किसी कनेक्शन किस तरह होती है तो सबसे पहले तो आप लोग ये देख सकते हैं ये लोहार जो है अपना काम कर रहा है स्ट्रेन फिट कर रहा है तो इसके बाद जितने सोलर पैनल रह गए तो वो भी अब हम इस पर फिट करेंगे लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बात बताता चलूँ कि अगर आप लोगों ने जब भी लेंटर के ऊपर काम करना होगा तो आप लोगों ने एहतियात लाजिमी इख्तियार करना है क्योंकि सोलर पैनल जो है वापस भी आ सकती है लेकिन आपकी ज़िंदगी जो है वो बहुत कीमती है आप लोग ये देख सकते हैं ये बहुत ऊपर वाली जगह है यानी तीसरा छत है तो आप लोगों ने एहतियात लाजिमी इख्तियार करना होगा अब हमने सोलर पैनल जो है वो फिट किए हैं अब इसकी कनेक्शन हम करेंगे तो इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने इन्वर्टर के हिसाब से अपने सोलर के कनेक्शन करने होंगे तो हमारे पास जो इन्वर्टर है उसकी वीडीसी जो है यानी वोल्ट डी सी जो है वो है पचपन तो अब हम पचपन के हिसाब से इस सोलर की कनेक्शन करेंगे तो अब हम इसके लिए दो दो सोलर पैनल जो है वो हमने सीरीज़ में कर दिए और फिर वापस पेरल में करके अब इन्वर्टर को दे दिए तो अब आप लोग ये देख सकते हैं हमारा सिस्टम जो है वो इंस्टॉल हो गया है ये सिस्टम इंस्टॉल करने का सबसे आसान और बेहतरीन तरीका होता है जब आपके पास बजट कम हो तो आप लोग इस तरह सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं